चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे इसका करने का तरीका बड़ा फिक्स है। आपका पहले ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का ये क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं पूरे प्रॉपर तरीके से, अभी हम थोड़ा एडजस्ट करके क्वेश्चन करेंगे, उस तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से चाहिए तो आप इससे जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 20 वाले को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन तो आपका ये हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। ऐसे क्वेश्चन हमेशा दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक नॉर्मली एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स से डील हो जाता है और दूसरा वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर बना के वो किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से मैच कर जाता है। तो ये हमेशा दो पार्ट में इंटीग्रल डिवाइड हो जाता है। खैर अब देखिए नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री है, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और 2x का 2 आएगा, तो 2x प्लस 2 आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। और ऊपर आपका x प्लस 2 है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव अपीयर कराना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम, तो देखिए इस चीज़ को कैसे अपीयर करा रहे हैं, यही आपको मैनेज करना सीखना चाहिए। एक तो आपका प्रॉपर तरीका जो हमने बताया क्वेश्चन नंबर 20 में, वहाँ आप डायरेक्ट आप निकाल लोगे, जैसे भी तरीका आप अपनाते जाओगे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। खैर यहाँ देखिए हम एडजस्ट कैसे कर रहे हैं, तो हमने एक्स प्लस टू को एक्स प्लस वन लिख लिया अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से स्प्लिट कर देंगे डी एक्स, तो ये वन अपॉन ये क्वाड्रेटिक अलग हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ से हटा के ये पार्ट अलग हो गया और प्लस वन अपॉन दिस क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग करते थे इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते थे, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से मैच कर जाता है। यहाँ इसका डेरिवेटिव अपीयर कराया जा सकता है, देखिए 2x प्लस 2 आ रहा था, तो 2x प्लस 2 लाने के लिए हम लोग 2 से क्या कर लिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लिए और 2 से डिवाइड कर ले, तो इसका डेरिवेटिव है ये। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर -1/2 और ये क्या हो गया आपका 2x प्लस 2 dx। तो याद करिए हम लोग शुरू वाले एक्सरसाइज में करते थे, ये एफ एक्स है और ये एन हो गया आपका और ये आपका एफ डैश एक्स हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो 1/2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस कुछ इंडेफिनिट कांस्टेंट आएगा, चलिए एक सिंगल इंडेफिनिट कांस्टेंट डाल देंगे। यहाँ पे -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका प्लस 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये हाफ ठीक है इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं बचेगा, तो डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं हुआ। और इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे आप रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट इस एक्सपोनेंट को हटा के, तो फाइनली इसका इंटीग्रल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस चीज़ को देखिए ये कैसे करेंगे हम लोग, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, यहाँ पे हम एडजस्ट करके बना दे रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन नहीं है यहाँ पे, वन यहाँ से अलग कर लें और प्लस टू कर लें, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस टू, और टू को आप क्या लिख सकते हो रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हो डी एक्स। तो ये देखिए ये फॉर्म किसे मैच कर गई, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मैच कर गई। अब वो क्या होता है लॉग ऑफ, दैट इज लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस दिस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ओरिजिनल वाली डाल दीजिए वही आती है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस आपका इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो काफ़ी लंबा जाता है, स्टेप्स बहुत सारी दिखानी पड़ती है ना, तो आप दोनों ही तरीके से कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होना चाहिए क्वेश्चन को डील करने के लिए, और प्रॉपर तरीका भी आना चाहिए, दोनों ही आपको आना चाहिए क्योंकि बोर्ड में आपको दिखाना पड़ता है ना।